ये नीचे बस दिखा। और सभी दर्शकों के एक बार तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन है जामपाली की ऐतिहासिक ग्राउंड पर। लाइन मैन बिल्कुल ध्यान दे, यहाँ मुकाबला है दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। खेल कबड्डी प्रारंभ हो चुका है। बालपुर का नाम बकबुड़वा, दोनों के राशि चर तो मिला थेगा, लेकिन देखना होगा भाई कौन सी टीम जो है सेमीफाइनलिस्ट बनेगी। अब बकबुड़वा वर्सेस बालपुर, गोकुल का है रेडिंग के लिए। बालपुर की ओर से बहुत ही अच्छे फुर्तीले रेडर है। हाल ही में बालपुर की टीम ने महोदीप में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया था। और जो है बगुड़ों के हनुमान शाम दुर्गेश, जो कि परिचय के काफी मोहताज है, सभी मोहताज नहीं है, सभी खिलाड़ी जानते हैं इनको। दुर्गेश एक नेता, बहुत बड़े रेडर माने जाते हैं बगुड़ों की तरफ से। इस बार पहला रेड और बेहतरीन रेड टच पॉइंट, एक रेड दो अंक, ये रेड का नजारा दिखाते हुए दुर्गेश दो अंक इस बार मिला बकुड़वा को। निश्चित ही दुर्गेश भैया का टीम, बकुड़वा का टीम जिसने महोदीप में पहला स्थान प्राप्त किया था और बालपुर की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस बार दूसरा रेड होता हुआ बकुड़वा की तरफ से, बकुड़वा 3 अंक, बालपुर 0। बालपुर को ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, 4 डिफेंडर पाले में से बड़ा दिक्कत रहता है किसी भी रेडर को रेड करने में, यदि जब मैदान में 4-5 रेड डिफेंडर हो। इस बार समय का उपयोग करते हुए खाली रेड। निश्चित ही खाता खोलना मुश्किल हो रहा है बालपुर की टीम को, क्योंकि बगबुड़वा की टीम सामने में खड़ी है, तो भाई खाता खोलना तो मुश्किल होगा ही। और ये अंकल होल्ड देखिए, मगर की जकड़ एक बार पकड़ लिया तो अंबुजा सीमेंट की पकड़ भाई। और इस अंक के साथ बढ़ता हुआ जो है 4 अंक हो चुका है बगबुड़वा, जबकि बालपुर अभी 0। खाता खोलना है, 3 डिफेंडर पाले में से सुपर टेकल का चांस है, यदि दुर्गेश को टेकल कर लेते 2 अंक मिलेगा, लेकिन ऐसा समय है कुछ भी हो सकता है। इस बार दुर्गेश पूरी तरह से समय व्यतीत करते हुए दौड़ कर छूने का प्रयास करते हुए और इशारा करते हुए कि मैंने आपको टच किया, सही फैसला सही डिसीजन ऑफिशियल द्वारा, 1 अंक मिलता है बकुड़वा को। क्या लगता है खाता खोल पाएगी कि नहीं खोल पाएगी बालपुर की टीम? अभी तक तो कोई भी सफलता नहीं मिली, बैक किक लगाने का प्रयास किया था निश्चित ही, लेकिन जिस दुरुस्त खिलाड़ी मौजूद बकुड़वा के खेमे में, और ये जबरदस्त थाई होल्ड भाई, गजब का ठेकल कहना होगा। और आखिरी खिलाड़ी से इस बार बकबुड़वा की, सॉरी बालपुर की टीम में आखिरी खिलाड़ी मौजूद। इस बार दोस्ताना का माहौल जमाते हुए दोनों रेडर और डिफेंडर ऑल आउट। मध्यांतर के पहला ऑल आउट होता हुआ बालपुर, अब तक खाता नहीं खुला, देखते हैं बालपुर रेड में खाता खोलता है या टेकल में। मुकाबलों का कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, तृतीय चक्र में इतना खतरनाक मैच चल रहा था, टॉप मैच, लेकिन जैसे क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ एक तरफा मैच का सिलसिला जो है लगातार चलता हुआ। इस बार एक और बकुड़वा, अब तक बालपुर खाता नहीं खोल पाया, देखते हैं टेकल करते हैं या इस बार फिर से दुर्गेश वही रेडर बार बार रेड करते हुए, जानते हैं अपने टीम के प्रमुख रेडर हैं, जब भी जरूरत पड़ती है संगठन पड़ती है तो पूरा बकुड़वा दुर्गेश ऊपर डिफेंड रहता है, वही काम करते हैं। इस बार ये बेहतरीन टेकल, इस टेकल से खाता भी खुला बालपुर का, हो सकता है वापसी भी हो जाए क्योंकि उनके प्रमुख रेडर आउट हो चुके हैं दुर्गेश बकुड़वा की तरफ से। इस बार फिर से नए रेडर गोकुल। निश्चित ही जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी भाई, कौन सा मार डुआ नहीं था कि पॉइंट का इतना पीछे थे, लेकिन जोखिम का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बकुड़वा की टीम को। इसी के साथ खाता खुल चुकी है बालपुर की टीम का, और ये देखिए पूरे डिफेंस को चकमा देते हुए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं हुई। देर से दर्शक बता दूं मैं, बकुड़वा 10 रन जबकि बालपुर 1। बालपुर को वापसी करना अभी समय है उनके पास, लेकिन उनके प्रमुख बकुड़वा के जो है रेडर आउट हो चुके हैं, उसका फायदा उठाना होगा बालपुर के डिफेंडर को। 6 नंबर की जर्सी पहने हुए बकुड़वा के रेडर रेड करते हुए मैदान को भापते हुए और दौड़कर छूने का प्रयास करते हुए, लेकिन खाली रेड।
इस बार चले बालपुर की ओर से रेडर। बोनस लेने का निश्चित ही अटेम्प्ट किया है, लेकिन देखना होगा क्या पॉइंट मिलेगा। काफी अच्छा फुटवर्क, लेकिन फुटवर्क से काम नहीं चलेगा, स्किल भी दिखाना होगा। खाली रेड, और इस मैच के तुरंत पश्चात तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा, समकेरा वर्सेस कुलबा। ये दोनों टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ी को लेकर मैदान के प्रवेशद्वार पर ही रहे। चार नंबर जर्सी पहने हुए बबलू तरफ से रेड करते हुए मैदान के बीचों बीच हाथ चारों का इस्तेमाल करते हुए को छूने का प्रयास करते हुए, लेकिन अंत वाला तो सब वाला खाली रेड। और ये थर्ड रेड है, थर्ड रेड का अर्थात तीसरा रेड, जिसमें पॉइंट आना अति आवश्यक हो जाता है। अगर पॉइंट नहीं लाएंगे रेडर तो अपने आप आउट करा दिया जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग थर्ड रेड खतरा रेड बोलते हैं। काफी डीप जाकर बोनस लेने का अटेम्प्ट तो किया था, स्कोर अब जो है 11 हो चुका है। फिर से उनके प्रमुख रेडर वापस आ चुके मैदान में, ये भी डू और डाई रेड है। विशेष ध्यान दें रेडर, 6 नंबर जैसे बने हुए रेडर रेड करते हुए, इनको निश्चित ही पॉइंट लाना होगा यदि जिंदा रहना है टीम में तो। और इस बार दौड़ कर छूने का प्रयास किया था और एक नजर करते हुए बबलो तरफ से रेडर। दर्शकों की कचाकच भीड़ है, लेकिन पूरा शांत माहौल एकदम से, क्योंकि एक तरफा मुकाबला है तो दर्शक बंद पूरा शांत हो चुके हैं। जैसा कि हमारा साथी कमेंटर ने बताया कि बालपुर माहौल में कुछ दिन पूर्व में टूर्नामेंट जो चल रहा था उसमें सेकंड प्राइज रहा था, द्वितीय पुरस्कार जीत गया था, उस हिसाब से अपना गेम नहीं दिखा पा रहे बालपुर, उनको कुछ दिखाना होगा दर्शकों को जाते जाते, क्योंकि बालपुर अब तक एक अंक जबकि बगुड़ा 13। दुर्गे फिर से सेलिब्रेट के लिए, चार डिफेंडर पाले में शेष, मुश्किल रहता है पॉइंट लाना, इसमें पॉइंट जो है बोनस अर्जित नहीं कर सकते, अलेवा नहीं रहता है, खाली रेड। और